अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मुझे मैं रामकथा में संकीर्तन कराता हूँ और बीच में बीच में हरी बोल करा कराता करता अली मौला अली मौला बुलाता हूँ और पूरी सभा अली मौला का कीर्तन करती है। तो कई धर्मगुरु मुझे भी पूछते हैं कि आप हरी बोल के साथ अली अली मौला को क्यों लाते हैं। मैंने कहा मैं लाता नहीं, अली मेला मुझसे बोल रहा है, मैं लाता नहीं हूँ। मुझे दुनिया को खुश, इस्लाम जगत को खुश करने के लिए मैं अली मौला नहीं बोलूँगा। आपको खुश करने से मुझे क्या लेना देना है साहब, मुझे किसी की दाढ़ी में हाथ नहीं डालना है, मुझे खुद की दाढ़ी है। तो अली मौला मैं क्यों बोलूं, मैं प्रयास नहीं कर रहा हूं कि आजकल जो कुछ क्षेत्र के लोग हम हिंदू और मुस्लिम को राजी करके अपना अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसा मैं आदमी नहीं हूं। मैं साधु हूं, तुम्हारी बोली में मैं फकीर भी हूं, केवल साधु नहीं। तो मैं अली मौला का कीर्तन मेरे का, आप सब जानते होंगे। तो कई लोग नाराज होते हैं कि बापू ऐसा क्यों आप करते हैं। तो मैं कहता हूं कि मुझे अंदर से उठता है तो मैं क्या करूं, मैं उसको रोक। मंसूर ने रोका नहीं था, मंसूर को कहा कि तू कहता है कि अनल हक अनल हक, कि उसके गुरु ने कहा कि तू चुप रहे, मौत का धंधा कर रहा है तू, अनल हक की जीत छोड़। तो उसने कहा कि मैं करूं क्या, मेरे से वो बुलवा रहा है तो मैं जाऊं क्या। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं नियम, जानता हूं कि ऐसा बोलने से मेरा सर कलम होगा, मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे, मैं इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मौत तो मुझे, जिंदगी तो मुझे भी प्रिय है। गुरुदेव आप कहते मैं समझता हूं, मैं बहुत दबाता हूं, फिर भी अंदर से मेरी आवाज उठती है तो मैं जाऊं कहां। और जब शर्मत को आप तो पहचानते हैं, आपके सामने इन कथाओं का क्या मुझे कह